हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल। और काउंसलिंग की जो डेट्स हैं नीट 2019 की, वो अनाउंस कर दी गई हैं, फर्स्ट राउंड की भी, सेकंड राउंड की भी और मॉप अप राउंड की भी। तो मैं उसके बारे में आज आपसे डिटेल में बात करूंगी कि क्या क्या डेट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो से। तो पहला राउंड जो होगा आपका, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग के लिए मिलेगा टाइम 19th से 24th जून का। वैसे रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का है, चॉइस फिल कर सकते हो आप इस टाइम में भी, ठीक है। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से चालू होगा ये, और 24 जून के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक आप ये फिल आउट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो तब आप लोग जो है साइट नहीं खोल पाओ क्योंकि लोड आएगा साइट पे, तो टेंशन मत लेना, दो तीन बार ट्राई करते रहना दिन भर में। 24 जून तक आप लोग रजिस्ट्रेशन आराम से कर पाओगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट मेरे हिसाब से जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है अपनी, यानी कि जनरल, उसकी 1000 रुपीज़ है, और जो बाकी कैटेगरीज हैं एससी एसटी ओबीसी, उनकी 500 रुपीज़ है पेमेंट, ठीक है। अभी भी एमसीसी की साइट जो है वो ओपन अप नहीं हो रही है, कई बार ओपन हो भी रही है और उसमें दिखाया जा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक, और जैसे ही आप उस पर क्लिक कर रहे हो वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन आर ओवर। तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो 2018 का दिखा रहा है, 19 का नहीं, ठीक है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन तो आपका 24 तारीख तक है, लेकिन पेमेंट आप जो है 25 तारीख तक भी दे सकते हो। तो 25 तारीख तक दोपहर 2 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आप चॉइस फिल कर रहे हो और लॉक कर रहे हो, चॉइस फिलिंग आप इस समय भी कर सकते हो, लेकिन लॉकिंग जो होगी चॉइस की वो 25 जून तक हो जाएगी, ठीक है। एज पर सर्वर टाइम सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक आप जो है चॉइस फिल कर सकते हो और उसको लॉक कर सकते हो, सिर्फ 25 जून को, एक दिन है ये, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 7 दिन है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का एक ही दिन है। फिर सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा 26 जून को, ये भी एक दिन का ही है। उसके बाद आपके जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आ जाएगा 27 जून को, जो भी एक दिन का ही है। उसके बाद आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें आपको रिपोर्टिंग देनी है 28 जून से 3 जुलाई के बीच में, 6 दिन दिए जाएंगे, उसमें रिपोर्ट दे देना, नहीं तो आपकी सीट दूसरे इंसान को दे दी जाएगी, ठीक है। जिनका नंबर फर्स्ट राउंड में नहीं आ पाया उनके लिए सेकंड राउंड रहेगा। सेकंड राउंड हमारा 6 जुलाई से चालू होगा, 6 जुलाई से 8 जुलाई, यानी कि 3 दिन, शाम को 5 बजे तक रहेगा। और पेमेंट फैसिलिटी जो है वही 9 जुलाई तक रहेगी, लेकिन 12 बजे तक, सिर्फ दोपहर के, ठीक है। 3 दिन चलेगा आपका सेकेंड राउंड। उसके बाद 9th जुलाई 2019 को आप वही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। उसके बाद सीट अलॉटमेंट जो है वो 10th जुलाई से 11th जुलाई तक चलेगा, 2 दिन। रिजल्ट जो है वो 12th जुलाई को आ जाएगा, और आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 13th जुलाई से 22nd जुलाई के बीच में, 9 दिन दिए जाएंगे। अब जो भी नॉन रिपोर्टेड सीट्स हैं या जो नॉन जॉइनिंग वेकेंट सीट्स हैं उन्हें स्टेट कोटा में भेज दिया जाएगा मॉप अप राउंड के लिए। ऑलरेडी मैं मॉप अप राउंड आप लोगों को बता चुकी हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक नीट वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखा है कि काउंसलिंग कैसे होगी तो उसे देख लेना, उसका लिंक मैं आप लोगों को यहां पे दे रही हूं, ठीक है। सो 15% ऑल इंडिया कोटा वाली जो सीट्स हैं वो स्टेट कोटा में चली जाएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट राउंड आता है हमारा मॉप अप राउंड फॉर सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड ESIC ओनली। ESIC क्या है? एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये इसमें भी 13th अगस्त से लेके 15th अगस्त तक रहेगा, शाम के 5 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम, और पेमेंट फैसिलिटी 16 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक, 3 दिन का रहेगा। उसके बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है वो 16 अगस्त को करनी है आपको, 17 अगस्त को आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, 18 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 20th अगस्त से 26th अगस्त के बीच में आपको रिपोर्टिंग देनी है। अब जो सीट्स खाली रह जाएंगी उनको मॉप अप राउंड के लिए भेजा जाएगा दूसरा, जो कि BDS के लिए होगा, क्योंकि मेडिकल की ऑलमोस्ट सारी सीट्स इससे भर जाती हैं, गवर्नमेंट की सीट कोई छोड़ता नहीं, ठीक है। तो ये है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग जो है सेकंड मॉप अप राउंड के BDS के लिए, वो होगा लास्ट वीक ऑफ अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2019। डेट इसकी फिक्स नहीं है अभी, क्योंकि जो हमारे BDS के कोर्सेज हैं वो अक्टूबर से चालू होते हैं। देन चॉइस फिलिंग जो होगा वो फर्स्ट वीक में होगा सितंबर 2019 के, फिर चॉइस लॉकिंग जो है वो भी फर्स्ट वीक में होगा, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है सेकंड मॉप अप राउंड के लिए वो भी फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और रिजल्ट भी आपका फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा, अलग अलग दिन होगा लेकिन फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और फिर आपको रिपोर्टिंग जो देनी है वो फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक देनी है सितंबर 2019 के, जो भी आपको BDS कॉलेज अलॉट होगा उसमें, ठीक है। सो ये तो बात थी हमारी कि नीट की काउंसलिंग किस किस दिन है। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि नीट काउंसलिंग 15% की कहाँ होगी, 85% कोटा सीट्स की कहाँ होगी, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखो,
जो हमारी नीट की टाइप है काउंसलिंग की वो, और काउंसलिंग बॉडी कौन सी रहेगी, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं बता देती हूँ। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा सीट से देख रहे हो, नीट काउंसलिंग कर रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की सारी सीट्स वो स्टेट कोटा से ही भरी जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप 15% को टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में, तो आपको MCC पे जाके रजिस्टर कराना है, MCC.NIC.IN। दूसरी तरफ अगर आप 85% स्टेट कोटा सीट्स देख रहे हो DU कॉलेजेस के लिए, जैसे MAMC है या LHMC है या UCMS है, तो वो भी MCC में ही होगी। फिर नीट काउंसलिंग अगर आप कर रहे हो जो सेंट्रल या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे BDS भी इसमें इंक्लूडेड है, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो न्यू दिल्ली में है, अगर उसकी नीट काउंसलिंग के लिए आप देख रहे हो तो वो भी MCC में ही होगा। फिर IP कोटा जो होता है, यानी कि इंश्योर्ड पर्सन कोटा जो होता है ECIC कॉलेजेस में, वो भी MCC में होगा। फिर AFMC के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो MCC और AFMC पुणे दोनों के बिहाफ पे होगा, तो लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको MCC में ही करना है। AFMC की साइट भी आप चेक कर सकते हो अगर कुछ आता है उस पर तो। और जो 85% है, सपोज करो जैसे आपको लग रहा है कि 15% AIQ से आपको सीट नहीं मिलेगी, स्टेट कोटा के अंदर मिल जाएगी, तो आप स्टेट कोटा के अंदर जो है नीट काउंसलिंग अगर करना चाहते हो, या फिर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप काउंसलिंग करना चाहते हो, तो आपको रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की वेबसाइट पे जाना होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप AIQ सीट्स को फोकस कर रहे हो तो MCC की साइट पे जाओगे, अगर किसी भी स्टेट के 85% स्टेट कोटा पे आप जा रहे हो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी सीटें हैं, सपोज करो 100 सीटें हैं कॉलेज में, तो वो सारी ही स्टेट कोटा सीट्स से भरी जाएंगी, AIQ सीट्स नहीं होती है, MCC उनकी काउंसलिंग नहीं करता है। तो जम्मू एंड कश्मीर वाले जो बच्चे हैं उन्हें जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कराना होगा, या अगर आप नीट से प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो भी आपको जो रेस्पेक्टिव स्टेट है आपकी उसकी जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट चेक करनी होगी। आप हरियाणा में रह रहे हो तो हरियाणा नीट काउंसलिंग अथॉरिटी ऐसा आप गूगल पर डालोगे तो वो अथॉरिटी का नाम आपके पास आ जाएगा, ठीक है, उसकी वेबसाइट आ जाएगी। आप कहीं राजस्थान में रह रहे हो तो राजस्थान की देखो, आप कर्नाटका में रह रहे हो तो कर्नाटका की देखो, ठीक है। तो ये चीज है, तो MCC पे जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 15% AIQ के लिए होगा, जबकि जो 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए जो नीट काउंसलिंग होगी वो रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियर करनी थी, बहुत सारे लोगों को इसमें जो है डाउट आ रहा था, ठीक है। तो मैं होप करती हूँ आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। डिटेल में प्रोसीजर जो है मैंने एक दूसरे वीडियो में लिया है, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे ही दिया है, तो उसे आप देख लेना। दूसरी तरफ अगर जिपमर की काउंसलिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, वो भी आपको यही आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। सो अच्छी तरीके से करना, डेट्स याद रखना अच्छी तरह से कि इस डेट को है, इस दिन हमें चॉइस फिलिंग करनी है, चाहे तो आप अपना कोई रिमाइंडर लगा लो या कुछ भी लगा लो कि हाँ 19 से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, 19 से 24 के बीच में फर्स्ट राउंड के। ओके, एम्स का भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अभी एम्स की जो PDF है वो डाउनलोड नहीं हो रही है, जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगी मैं अपनी वेबसाइट पे दोनों PDFs डाल दूंगी, ओवरऑल रैंक वाइज और जो हमारा रोल नंबर वाइज है वैसे लिस्ट आई है। अभी इंडिविजुअल रिजल्ट्स नहीं आए हैं कि आप डायरेक्ट लॉगिन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे या रोल नंबर डालोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं आया, अभी लिस्ट ही दी है उन लोगों ने, और उन्हीं बच्चों का नाम आया उस लिस्ट में जो फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं काउंसलिंग के, ठीक है। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, इन चारों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।